हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है, क्या एड्स क्या कंडीशन है और ये किस वायरस से होती है और वो वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। चलिएगा शुरू करते हैं। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना और सिंड्रोम का जो यहां मतलब है वो होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ये हम अभी आगे वीडियो में जैसे बढ़ेंगे ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ग्रुप ऑफ सिम्टम का यहां क्या मतलब है। अब देखिएगा, एड्स जो है वो एक कंडीशन है जिसको हमने भी कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स में कोई एक कंडीशन नहीं आती, इसमें अलग अलग सिम्टम्स हमें आते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस बीमारी में काफ़ी वीक कमज़ोर हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स हम पर अटैक कर सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, और भी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी उन बीमारियों से अच्छे से नहीं लड़ पाती है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड्स को कौन कॉज करता है। उस वायरस को हम देखते हैं, कॉज बाय एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस क्या होता है, SSRNA जेनेटिक मटेरियल और ये बिलोंग्स टू रिट्रोवायरस फैमिली। ये HIV वायरस के बारे में है कि ये इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और ये बिलोंग करता है रिट्रोवायरस फैमिली। स्टूडेंट्स, तो हमसे अगर क्लियरली क्वेश्चन पूछा जाता है एड्स इज कॉज बाय, तो हम कहेंगे एचआईवी वायरस। देखिएगा, सबसे पहले अगर एड्स के हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो फर्स्ट केस डिटेक्टेड इन USA 1981 में पहला केस USA में डिटेक्ट हुआ। इन इंडिया फर्स्ट केस, हमारे भारत देश में फर्स्ट केस आया 1986 चेन्नई, मद्रास, जिसका पुराना नाम मद्रास था, चेन्नई। ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास जो फर्स्ट केस डिटेक्टेड इन USA, ये होमोसेक्सुअल के एक ग्रुप में डिटेक्ट हुआ था। डिजीज सेंटर अटलांटा में इसको पहचाना गया। और इन इंडिया द फर्स्ट केस 1986 चेन्नई मद्रास में, ये सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूट्स जिनको कहते हैं, उनमें ये डिटेक्ट हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाएगा जेनेटिक मटीरियल, फैमिली, तो आप बता सकते हैं SSRNA और बिलोंग टू रिट्रोवायरस फैमिली। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, HIV का वायरस कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं, ये है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड मेम्ब्रेन, ये है प्रोटीन कोट है। और यहां इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये है रिवर्स
ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल SSRNA, और आप देख रहे हैं यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अगर हमसे नॉर्मली पूछा जाए, नॉर्मली हम बात कर सकते हैं कि HIV का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं उस पर प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है, इनर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ वहां एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रिवर्स करने में ये हेल्प करता है। जैसे DNA से RNA बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से वापस DNA बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीएज एंजाइम हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उस प्रोटीन को तोड़ने में। तो ये हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे HIV का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में नंबर एक है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन। अगर कोई भी पर्सन है वो किसी अननोन पार्टनर से या मल्टीपल लोगों से क्या बनाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, तो अगर वहां फ्लूड ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि ब्लड का कॉन्टैक्ट हो जाए या सीमेन ट्रांसफर हो जाए, और पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है नंबर दो, इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस, इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस को हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, ये वायरस प्लेसेंटा के आर पार जा सकता है और फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड हम बात कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब ट्रांसफ्यूजन कैसा, अगर हम बात करते हैं हेल्दी ब्लड है जिससे हम ब्लड ले रहे हैं, अगर वो ब्लड हेल्दी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस पर्सन, हमने एक ऐसा ब्लड लिया जो HIV पॉजिटिव पर्सन का है, तो हमें बीमारी हो सकती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स में हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर सकते हैं, और फोर्थ हम बात कर सकते हैं शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स। और बच्चों ये किस केस में हो सकता है, ये हो सकता है इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, एक ग्रुप है जो लगातार ड्रग ले रहा है और वो वेन में इंजेक्शन लगाता रहता है, तो अगर वो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल, एक ही निडल से कई लोगों को अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मेन मोड जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो हमारे पास ये है। वैसे ये इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि किस फ्लूड में वायरल लोड कितना है, जैसे हम फ्लूड की बात कर सकते हैं, ब्लड में मिल सकता है, सीमेन में मिल सकता है, यूरिन, सेलाइवा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, इन सब में ये मिल सकता है। लेकिन ज्यादा जो बीमारी फैलने के चांस हैं वो आप कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, मतलब सीमेन से फैल सकता है और ब्लड से फैल सकता है। सबसे पहले जब HIV वायरस होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो ये मैक्रोफेज सेल को निशाना बनाता है। तो हम देखते हैं वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल,
नॉर्मल सेल नॉर्मल मैक्रोफेज है, वहां पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वायरस उनसे जाकर जुड़ जाता है। अब देखिएगा, वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल, HIV वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देगा। वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसके पास है, HIV वायरस के, उसकी मदद से यहां पर वायरल DNA बन जाएगा। अब ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम में ये एंटर करेगा और वहां पर नॉर्मली क्या होगा, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल, वहां एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, सेल के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है कि वायरल DNA जब वहां आया तो DNA से नॉर्मल RNA बनेगा और इसी तरीके से न्यू वायरस कैन प्रोड्यूस, तो नए वायरस हमारी अलग अलग सेल्स में बनते रहते हैं और वो हमें इन्फेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे HIV का वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है। इसी के साथ साथ ये मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करने के साथ ये एंटर करता है टी हेल्पर सेल, ये टी हेल्पर सेल को निशाना बनाना शुरू करता है और यहीं से शुरुआत होती है सिम्टम्स की, हमें कुछ सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की है HIV के बारे में कि HIV वायरस क्या होता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और उस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकता है, कौन से वो मोड है, और हमने बात की है कि वायरस होस्ट की बॉडी में जाकर किस तरीके से सेल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में, हम बात करेंगे HIV को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड। तो आप लगातार इन ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा और वहां पर आपको क्वेश्चंस एंड नोट्स भी PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।